मनासा की मनासा पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर की सूचना मिलने पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 1 क्विंटल 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ है। मनासा पुलिस टीम ने पिकअप में प्याज के कट्टे में छिपा कर ले जाया जा रहा 1 क्विंटल 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी मनासा के एल डांगी को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि पीपलिया रावजी मनासा रोड से पिकअप में अवैध डोडा चूरा तस्करी के कर राजस्थान ले जाया जा रहा है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना मनासा टीम के द्वारा पीपलिया रावजी अंबे माता मंदिर के पास मनासा रोड पर नाकाबंदी कर पिकअप को रोककर तलाशी लिए जाने पर प्याज के 12 कट्टे के नीचे छुपाकर 10 कट्टे में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 1 क्विंटल 60 किलोग्राम जब्त किया था। साथ ही आरोपी चालक महेंद्र कुमार पिता पुनराम जाति विश्नोई उम्र 25 वर्ष निवासी सऊओ डौकियो की ढाणी गुड़ाम हेमा थाना जाब जिला जालोर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर NDPS एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण में फरार अन्य आरोपी प्रकाश विश्नोई निवासी कोटरा थाना करेड़ा जिला जालोर एवं डोडाचूरा के स्रोत के संबंध में पूछताछ जारी है। तस्कर में उपयोगी की गई पिकअप के चोरी की होने की संभावना है। प्रकरण में जब्त मादक पदार्थ का अनुमानित मूल्य 3,20,000 रुपए व पिकअप का अनुमानित मूल्य 7 लाख रुपए है।